कोमल देवी, ये घर के मालकिन के नाम हो। नाम पढ़ के तो रउआ सबके बड़ा कोमल कोमल महसूस होत होई। बाकी नाम जितना कोमल बा, स्वभाव उतना कठोर। यह आलिशान बंगला कोमल देवी के माई बाप के देहल बपौती संपत्ति है। माँ बाप के इकलौती बेटी भैला के नाते कोमल देवी ब्याह के बाद अपना मायका में रह गई पति के साथ, और आज तीन बेटा के माई और दो बहुवन के सास हैं। सास भी कभी बहू थी, हाँ सास भी कभी बहू थी। हटी, एजी उठी ना। अरे उठी ना, अरे उठी ना एजी, अरे उठ जाए ना। कुंभकरण उठी। पसार के सुतैये होता। बाप रे बाप, लागे तो जाके ली। जय भगवान। ऑर्केस्ट्रा में जाए के बाका कहता ना, चमकदार साड़ी, लाला लिपस्टिक, क्या करा के दिखावे के बहो। तनी कम कपारे पर चढ़ा लोग। घर है, घर खानी पहिन ओढ़ के रहल जाला। बतिया बुझाता कि काने में ठेपी गइल बिया। जी मम्मी जी, माँ जी, चाय बनी कि कॉफी? चाय। दूध वाला चाय कि लाल चाय माँ जी? लाल चाय। बताओ तो छोटकी, ये बुढ़िया भोरे भोरे बैठ के हमने की लिपस्टिक और साड़ी नहीं आ रही है, अब ये सामने के बुढ़िया बनावतिया। का बताई दीदी, हमने के बाबूजी की अकल पे तो पर्दा पड़ल रहे। इतना बड़का घर देखकर उनकर मती फिर गई। हमने के ब्याह करके कसाई के चक्कर में फंसा देले। न पहने की आजादी, न सजे की आजादी, न खाए की आजादी, न पिए की आजादी। घर ना बैल हमने खाती तो जेल हो गई बा। अरे हमने के तो छोड़ा, ई बेटा लोगन बुढ़िया के आगे पुक पुक करत अड़े और अपन पूछ ही लावत अड़न। का बताई दीदी। बुझले माई, हम सबके बता दिली कि जितना हमारे माई के इज्जत घर में बा, हा, हा, हा। उतना पूरे गांव में केहू के माई के का होई। यह बात पे गोपी काकी उखड़ गईली। हाँ। कहे लगली
सुने हमरा के मालूम बा कि तहार घर में तहार माई के का इज्जत बा कतना चलेला। तो हम हूँ ना गुस्सा में गोपी काकी के सामने आईनी अब बीच में जाके सबके सामने कह देनी कि सुना गोपी काकी हमार माई के आदेश के बिना हमार घर में एगो पत्ता भी ना हिलेला, इज्जत चौड़ा कर देनी माई। मांगा माई ए माई 800 रुपया देना। काले ने 300 दिले तो नहीं के खर्चा हो गई। अरे दुनू भाई के मोबाइल के कवर फाट गई रहे, मार्केट में बड़ा बेइज्जती होत रहे, उहे दुनू बदलवा दे। ए माई देख हां ई देखना नया कवर लेनी है। हां यो लेना है। तोहनी का करनी तो कुकुर हो जैसा नहीं खे, जब देखा तो माई के आगे हाथ पसार देवे के बाद दे माई दे माई दे माई। देखला भैया माई के दिल 800 मंगला है और 1000 दे देली। दूसरा वापस करे के बारे हम जी हो जाए ठीक हो जाए दे दे हो जाए। चल चल काम हो गया ना। कहता नीना सुनता रू बाहर नहीं खे सुनाता बोली। कहता नी की केसिया में तनी हेयर डाई लगाला भूर भूर लौकता। निकम्मा लोगन के ना लामे से लौकेला, बेसी दिमाग मत धन काई, उठे यहाँ से चली हटे यहाँ से। का समय आ गया। अरे ये घर में तो हमार कोनो औकात ही नहीं खे, खाली नाम के पति रह गल बानी हम यहाँ पे। बाबूजी ए बाबूजी कालवा हाल बताई तोरा के मारब ना। अरे बाबूजी रउआ जतना जोश हमनी पे दिखावत बड़ो उतने जोश यदि माई के सामने दिखाईले रहतन तब घर के बोर्ड पे कोमल देवी ना कमलेश बाबू लिखाई रही। ए बेटा अगर हम चाहती नू तो एक मिनट में नाम बदल देती। हाँ? लेकिन तोहनी लोगन के चक्कर में ना लिखल हा। लीमा जी खाना का बनी माँ जी खिचड़ी सादा खिचड़ी की मसाला वाला सादा घी से चौकाई की तेल से साथे चोखा बनी की चटनी चोखा रोज खिचड़ी रोज खिचड़ी खिचड़ी खा के ना मन उकता गइल बा। यहाँ बोला के कोनो फायदा नहीं के वहाँ जाके बोली जहाँ से ऑर्डर आइल बा। ओइजा जाके बोले के हिम्मत केकरा लगे बा। ता चुप करके बैठी और जौन बना था उ खाई, समझ ली कि जेल के खिचड़ी है। दुलहिन जी बाबूजी कुछ चाही का खिचड़ी बनाओ तरू। अब तो खिचड़ी के नाम है सुन के उल्टी आवता। हाँ हाँ बाबूजी कुछ निमन बनावा लोग ना। हाँ दाल भात भुजिया बाबूजी। हाँ बेटा और हाँ। साथ में प्याज के पकौड़ी भी। हाँ 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 बुढ़िया के पता चल जाए ना तो हमने के मांग के वो केस ना छोड़िए, सब ऐसे उखाड़ के फेंक दिए। अरे वो बहन हाथ या ना बाबूजी अगर वो देख ली है तब बवाल हो जाए। आइडिया एक काम करता नी हमनी तीन जन तीन जगह पे जाके खड़ा हो जाता नी पहरेदारी करे खातिर। हाँ। और जैसे ही दुश्मन के धमक बुझाई तो एगो आवाज आई कू मतलब आतंकवादी सीमा पे आ गई ली। हाँ। अपन अपन काम में लग जा तो हमनी जाता नी पहरेदारी करे ठीक बा। ऑल द बेस्ट।
का बात बा? खाई से पहले में कैसन सबके डका रहत बा? गैस गैस माई गैस हो गई बा। राम जी, रात के खिचड़िया बनी उप, उप। वो एकदम सादा, कहे से कि सब पर गैस भगावल जरूरी बा। हाँ माई बिल्कुल सही कह रहल बड़ी, सादा सब कर दादा, डॉक्टरो ये कहेला। हाँ। खिचड़ी खायल करी। हाँ। अनु खो राम जी। हाँ अब बढ़िया बनल बा। सब के सब रंग बदलू है, माई के देखते सबके पक पक होखे लागेला। हाँ। खाली माई के हमें हाँ मिलावे के बा। हाँ माई सादा सबके दादा। हाँ। अरे हमनियो के तपने बापे के बेटा है सन। मतलब मतलब जब बापे के हिम्मत नहीं हो तो हमनी के का हिम्मत होई? देखी अब उनका जारी हमरा से नहीं साथ, हम बता देता नहीं। खाली अपना माई बाप की इज्जत के लेके हम चुप बानी, ना तो हम वो दिखा देते कि कौन बाप के बेटी बानी। हाँ। अरे ये महारानी 25-30 साल से सबनिया झेला था, 10-15 साल तुहू झेल लेबू तो का हो जाए? जाई रहुआ शामिल हो जाई, राउर माता जी द्वारा मीटिंग लगाई ले बड़ी। तू बहुत किस्मत वाला बाड़ू बहिन, जाना तारू हमार पतोहू के अइले अबई 2 दिन ना भइल और ऐसन शासन चलावेली जैसे घर के सास बानी। राम जी गरम गरम बेटी पहुंचा देले होखबू तो ओकर गर्मी तो रही पन झरी। हमरे यहाँ देखला चू करे का शक्ति नहीं खे। अरे सास बना लेता ना आसान ना होला, पतोहन के नाक में नकेल डाले के होला नकेल। देखा बुढ़िया के हमनी पे शासन चला के अपना आपके वीर बहादुर समझतिया। अरे दीदी हम तो खाली पतोह के धर्म निभावता नहीं, ना तो बुढ़िया के ना एकदम गर्दन में मोड़ देती। हाँ। तार दोनों बहु तो सीधा साधा आइल बिया, तिसरकी कैसन आई उ पता ना। और कैसन आई चाहे जैसा ना, बाकी ओकर मजाल की नजर उठाई है? जब हमार बेटा ही नजर ना उठा पाउलस है? प्रणाम माई। खुश रहा, यदि तो हार्ट ट्रांसफर नहीं खे हो तो नौकरी छोड़ के घरे आ जा, हमरा लगे बहुत बड़ संपत्ति बा। दूधों को बेटा पतोह के खियावा तारी तो तोहू के बैठा के खिया ले हम, बाकी हमारे तना संपत्ति रहले के बाद हमार बेटा अपने हाथ से बनावे खा ये हमरा के पसंद नहीं की। अरे माई बात तो सुना, हम उहे कहत रहनी है ट्रांसफर के बाद हो गई बटे, मिर्जापुर ही ट्रांसफर हो गया बटे। अच्छा तो बोरिया बिस्तर बांध के कब आओ बड़े? अभी ऑफिस जाते नहीं, लेटर कलेक्ट करके जल्दी आओ। राम जी जोन भी लेवे दे के बाद जल्दी से ले दे के आओ, कल तो देखना रू आओ तार। ठीक बा माई प्रणाम। माँ जी हमार सौभाग्य बा कि हमार बेटी राउर पुतोह बनी। तो शादी पक्की? जी बिल्कुल। बस एगो बिनती बा रहुआ से। बोली? हमार बेटी ब्यूटी पार्लर चलावे ले और ब्याहो के बाद ब्यूटी पार्लर चलावे चाहती है। कोनो दूसर घर देख ले, कहे से कि हमरा घर में काम करे वाली लड़की चाहिए। कॉफी रेडी है बेटा? ओके पापा आ रही हूँ। सुबह सुबह पापा अपना बिटिया के लिए कॉफी तैयार करके ले आए, क्योंकि पापा अपनी बिटिया से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आजा बेटा कॉफी तैयार है, लीजिए। हाँ, थैंक यू पापा। मम्मी कहाँ है? आप ये चाय कॉफी बनाना बंद कब करेंगे? हम आ रहे थे ना किचन में। अरे श्रीमती जी जिंदगी का गाड़ी दो पहिया पे चले ले, दोनों पे बराबर बोझ होला, दोनों के स्पीड भी बराबर होला, अगर एक भी पहिया डिसबैलेंस हो जाए ना तो सोचा कहाँ हुई गाड़ी कहीं डूब जाएगी नहीं तो कहीं ठक जाएगी। तुम दोनों चुप रहा करो। क्यों मम्मी? उका है ना, यहाँ माँ बाप के सामने तुम्हारी सारी डिमांड चल जाएगी पर वहाँ ससुराल में नहीं चलेगी। ऐसा क्यों? उका है ना कि यहाँ तुम माँ की बेटी हो और वहाँ ससुराल में सास की बहू रहोगी। यहाँ तो माँ ना तुझे लाड दुलार कर लेगी
पर वहाँ ससुराल में सास शासन करेगी, समझी? तब तो मम्मी बहुत मजा आएगा। क्या मतलब? मतलब मम्मी मम्मी पापा प्यार दिए उनको भी देना होगा, अपनी बहुओं की फीलिंग को सीरियस लेना होगा। खुश रह, खुश रह। लालबा भाई। और ठीक बा, आप लोग कैसे बनी? बस एकदम सब बढ़िया। अरे आप तो एकदम देवदास हो गए बनी। का भाई भाभी आरती उरती उतारता रही कि ना? वो तो दोनों टाइम उतरा था। कबो कबो जतरा खराब हो जाला नू तो दिन में तीन टाइम आरती उतर जाला। अरे बाबू, अरे तू भी ना खुश रह। कैसे बनी? बस तोहरा माई के कुदृष्टि बा। अरे बाबू जी आप भी। बाबू जी हाँ, माई के कुदृष्टि ना हाँ, माई के दया दृष्टि। अरे बोलो। प्रणाम। खुश है? हमार चॉकलेट कहाँ है? चॉकलेट ये। अरे सुमिता। भाभी, भाभी। अरे बाबूआजी, बाबूआजी। गोड़ लगते नहीं। जुग जुग जी, और जल्दी से मेहरारू वाला बनी। हाँ। अरे भाभी रहो। अरे खुश रहा, आ गई ला। हाँ भाभी, अब ट्रांसफर एजी हो गई। काश हमनियों के नौकरी में कौनो ट्रांसफर रहित। लगता बॉस आजकल कुछ ज्यादा ही टाइट बढ़ी। जाए रहूं वो पता लग जाए। अच्छा अभी देखता नहीं।
माई गोल लगता नहीं कारे तोरा के अभी का फुर्सत मिले हमरा पास आवे खातिर आ तू ना सकते लो मिले हम तो माई ना हम तार बेटा ना है सुन आज के बाद अगर सुनते लड़ तो आ निकल जाई बैठ हो गई ट्रांसफर हाँ ट्रांसफर हो गई अब कल से जॉइनिंग भी बा राम जी कल ना 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 परसों परसों हाँ काहे तोरा के देखे खातिर लोग आवत रहे देखे खातिर हाँ एक क्या बिटिया बिहा बड़ा अरमान है बिटिया के बिहा करे इरवे के ना हर बाप के अरमान होला बाकी भगवान के देहल सब कुछ बा हमरे पास बस रहुआ अपन बेटी दे दी अरे ऐसे कैसे दे दी रहुआ बारात लेकर आई हां मंडप पे गठबंधन होई हम कन्या दान करे तब ना हमार बेटी राउर होई अजी ये सब तो विधान है करही के पड़ेला एक बात कही आपसे हाँ ये विधान बहुत गलत है भाई साहब अब सच कही तो अपना अपना बिटिया के माँ बाप हर एक पल अपना कलेजा से लगा के रखे रहे बियाह भैला के बाद वह बिटिया हमेशा खातिर पराई हो चले हमार बस चले तो हम तो ये विधान है बदल दी हाँ जैसे लड़की अपना ससुराल में 6 महीना रह ले और 6 महीना दामाद आए कि अपना ससुराल में रहे हाँ बाकी ऐसा तो अभी ले भैल ना और शायद होई भी ना खैर ये हमार बेटा खुश रहा रवा चाहे तो बातचीत करके तसल्ली कर ली कैसन बात करता नहीं रहुआ हमेशा यह सोच के आयल बानी कि हम जौना घर में अपना बेटी का रिश्ता लेके जा रहल बानी वहां हमार बेटी सुखी और सुरक्षित रही सही सोच ले बानी दो बेटन के ब्याह कह चुकल बानी देख ली राज करत नहीं सन पतो हाँ बल्कि बउआ चाहे ता हमरा बिटिया से बात कर सके ना बात का कर सके ना मिल भी सके ना आज के हिसाब से कहे कि दोनों जनी के साथ में पूरा जिंदगी बितावे के बाद तो एक दूसरे के अब समझल बूझल जानल जरूरी रहेला दुद्दो को बेटन के ब्याह कह चुकल बनी राघवेंद्र जी बाकी ऐसा भैल ना होके भी ना हाँ रवा चाहिए तो महेश हाँ मैं उमेश को फोटो लिया के यहाँ के दे दा हाँ ले आओ तस्वीर में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है एकदम प्रिंस बा अच्छा एकदम प्रिंस भले ही वो प्रिंस हो लेकिन मेरे पापा मेरे लिए किंग है तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए किंग है लेकिन तुम्हें तो इसकी प्रिंसेस बनना है ऐसे किसे प्रिंसेस बन जाऊं न जाना ना देखा ना बात की बेटा लड़का वाले ना देखल चाहता रहे लेकिन मुझे तो देखना है ना पापा अरे वो लोग बात भी ना कर चाहता रहे पापा मुझे बात करनी है क्यों इतनी जिद कर रही हो हाँ जब लड़के वाले कह रहे हैं कि ना देखना है ना बात करना है तो काहे इतनी फालतू में जिद कर रही हो एक मिनट शांत रहा शांत रहा श्रीमती जी शांत रहा अरे अरे अजनबी के पास जाए से तो जानवर भी डरा ला फिर ये तो हमार बिटिया ही बेटा सुना जब ले तू हाना करबू ना तब ले तुम्हारे पापा भी हाना करी है ठीक है ये हुआ उमेश मिर्जापुर में पोस्टेड बाना डेली सुबह 9:30 बजे ऑफिस खाते निकलने घर से ओके यस पापा अरे जाए दान काम हो फलों पर Thank you.
दिखने में तो स्मार्ट लग रहा है। यस हाय, आप एक्चुअली मुझे मिर्जापुर जाना है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। अजीब हाल है, मुझसे पूछना तो चाहिए कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आके बैठ गई। बहुत तकड़ो लग रहा है, पर मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। क्या आप मुझे छोड़ देंगी प्लीज? अच्छा ठीक है, लगता है आपको कुछ बहुत अर्जेंट काम है, मैं छोड़ देता हूँ। मैंने थोड़ी सी स्माइल किया दीदी, पिघल गया। अब लाइन पे आ रहा है, देखना बच्चू, मैं ट्राई करती रहूंगी। देखने में तो स्मार्ट लग रहे हो, हैंडसम भी हो, पक्का 3-4 गर्लफ्रेंड्स होंगी। जी नहीं, हमारे परिवार में गर्लफ्रेंड की परंपरा नहीं। फिर क्या, डायरेक्ट शादी? मतलब अभी तक सिंगल है, तो कब कर रहे हो शादी? जी अगले महीने ही। क्या नाम है उसका? उषा। क्या आपने उसे देखा है? देखा नहीं है, पर भरोसा है, सुंदर होगी और सुशील भी। लड़कियों के सामने सभी शरीफ बनते हैं, तुम्हारा असली कैरेक्टर तो मैं अभी बाहर निकाल के रहूंगी। ये लो, पहले ये पी लो, फिर चलते हैं। जी नहीं, मैं पीता नहीं। ओह, ड्राइविंग के टाइम पे नहीं पीते, राइट? जी नहीं, मैं कभी नहीं पीता। सिगरेट? जी नहीं, मैं सिगरेट भी नहीं पीता। ये तो चालू लग रहा है। लगता है गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब नहीं हुई है, जानबूझकर तुमने खराब की है। अरे मैं अपनी गाड़ी क्यों खराब करूंगा? क्योंकि मौके का फायदा उठाना चाहते हो ना तुम। मैं सब कुछ देख रही हूँ, मैं सब कुछ समझ रही हूँ, तुम जैसे लड़के ऐसे ही। कब से देख रहा हूँ, बोलती जा रही हो, मैं सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है। दिमाग खराब करके रख दिया। हटो। अच्छा तो ये माजरा है। ओके मैडम, अभी बताता हूँ। गाड़ी तो नहीं बन पाएगी। फिर क्या, कोई गाड़ी आएगी तो लिफ्ट लेके चलेंगे। अगर नहीं आई तो? नहीं आई तो अकेले हम, अकेले तुम, मजा आ जाएगा। कोई देखने वाला भी नहीं है, ना कोई सुनने वाला है, नहीं। ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। नहीं 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 नहीं, माफ कर दो। मैं माफ कर दो। क्यों, क्या मैं अपने होने वाली पत्नी का हाथ भी नहीं पकड़ सकता? मैं समझ गया था कि मेरा इम्तिहान लिया जा रहा था। I'm really sorry. It's okay. तो उषा जी, क्या मैं अपने टेस्ट में पास हुआ? 100%.
अरे कितना दुबरा गइल बा भैया, तबियत ठीक ना रहेला का तोहर। अरे चार बूंद खून बढ़त होई, आठ बूंद खून खिंचाए जात होई। काओ सही कहता नहीं ना? अरे पाहुन, हम तो चाहती ता एक मिनट में सही कर देती। हाँ, बाकी मेहरारू नाते छोड़ देता नहीं। का कहे बाबूजी, तनी एक दाएं और कहीं बुलाई। अरे मार बाबा, हम उठ जाई तो हाथ बड़ा आयल। देखी ना राम जी, ई देखी रउआ खातिर मंगोले बानी। हाँ, ये पैर के हमारा बेटा के बारात में जाए के बा। हमारा खातिर बहुत सुंदर बा, लेकिन अब ई उम्र में सब अच्छा लागी। अरे फूफा जी ऐसे कहे कहते नहीं? अरे बेटा, तोहार फूफा बुढ़ाए गेल बाड़े, ई पहन के हम केकरा के देखाई? अरे हमारा सब दिन के देखावल जाई। अरे हम सब दिन के देखाई तो तू केकरा के देखाई बा? हमनी के देखाई। दिमाग मत धनकाई। ए ए मेहमान जी। हाँ हाँ, केहू देखे चाहे ना देखे, देखी हमारा अंतिम बेटा के बियाह है, हमन अपने में नचावल जाए। हाँ हाँ। खबरदार, बारात में कौनो भी तरह का हुड़दंगई ना होके के चाही। याद रखा लोग, कोमल देवी के बेटा का ब्याह। सुकुमारी के द्वारा पायल बाबा रात जी, सिया सुकुमारी के जीत लियो है दुल्हे राजा, पापा के दूल्हा।
कॉफी दूध वाला की बिना दूध वाला? दूध वाला बाबूजी चाय। माजी चाय। समझो ना लोगे के छुटकी कॉफी बनी। क्यों दीदी कहे से कि हम कहता नहीं। बाबूजी आप चाय पी लीजिए ना, माँ जी के लिए मैं कॉफी बना देती हूँ। सब केहू कॉफी पी ही। अच्छा अच्छा सभी लोग कॉफी पीते हैं क्या? राम जी केहू पिए चाहे न पिए, हम कहनी कॉफी तो कॉफी ही बनी। ये चाय फेंक और कॉफी बना के लेके आओ, वो भी दूध वाला। जी माँ जी। सुन हाँ ये हमार आदेश बा। बढ़िया से छोटकी माँ जी के कहला के हिसाब से ही चाय या कॉफी बनेला। रोज सुबह उनकरे से पूछे के पड़ेला। अगर तारा कॉफी पसंद नहीं के तो छुप के चाय पीला। अपने ही घर में चोरों की तरह छुप के क्यों रहना, मैं भी कॉफी ही पी लूंगी। न जाने बुढ़िया कितना जारी कहां से आई बा, हर बात में आग उगले ली। ए तनी होश में बतियावा। पिघल गई ला माई के बारे में तनी का सका कह देनी, मिर्चाई लग गई। आ वो जे दिन रात हमने पे आग उगले तरी वो नहीं खेला काज। सुन के तहर देहिया में छेद नहीं खे न हो जात, बर्दाश्त करो तहर सास हिया। हाँ तो हमहू तो पतो है ना, हमने के तो खोजते रहलिया। एगो ऊ बेचारी नया नया आयल बिया ओकरो के खोजे लगली। Thank you.
का भाई, तार चेहरा क्या उतरल बा? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शक्कर ठीक है? थोड़ा मीठा कम बा। मैं शक्कर ले आती हूँ। अब मुंह मीठा हो गया। चलते हैं। जल्दी आइएगा। उषा, ही तो हार घर, अकेलापन महसूस मत करिया। सब लोग तहार अपने बा, आपन ख्याल रखियो। हम जल्दी आ जाए, ओके? स्माइल। अरे दीदी जल्दी चलिए। अरे ये का होता, बंद कर ये छोटकी। खाना कहे बनाओ तरु, माजी से पूछ लू। हाँ, घर में खाना बनाने के लिए माजी से पूछना पड़ेगा। हाँ। अरे हाँ छोटकी, ये घर में खाना पीना नहाना ओढ़ना पहनना सोला श्रृंगार सब माताजी के वजह से होला। हर चीज माजी से क्यों? कहे से के हमें घरे का मालकिन बनी और तोहनी के सास। ये घरे का एगो पत्ता भी ना हिलाला बिना हमरा इजाजत के। ये बात के गांठ बांध ली है। नया बाड़ू माफ करता नहीं। अगर ऐसा हिम्मत की गौर के ले रहत ना तो मोर के गलवा फोड़ दे ले रहती। आज कढ़ी चावल चोखा बनी बस। ए शीला, हल तोर भाजी तरकारी माई के खाना दिले रहलू। घरवा में शांति देख के नहीं खे बुझात। ना खाईले रहती ना तो उनका रेडियो के आवाज रोड तक ले सुनाई देत। अरे तो यह बतिया थोड़ा सीधे सीधे बोल सकत हूँ। अरे भैया, ये लोग जब बोले लेनू तो टेढ़े बोले ले। टेढ़ बोले आईत ना तो अभी तक सब कोई सीधा हो गेल रही। रउआ आके ढेर घोटाई मत, उसे भी चूल्हा के आगे दिमाग बहुत गर्म रहेला। भैया इज्जत बचावे के बानू तो हमार बात माना, तू निकल ला एजा से। हम उस सबके खाना तनी दे दे। अरे छोटकी, तू खाना खाला, बाबू के आवे में शायद लेट हो जाए। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है। कब ले ना खाइबू, यहाँ ऐसे ही चलेला और ऐसे ही चली। खाना खाने के लिए भी तो मूड होना चाहिए ना दीदी। जानवर भी अपनी पसंद का खाना खाता है, हम तो इंसान हैं। ठीक है कहलू, हमने तो जानवरों से बेकार बानी। उषा, उषा, काबिल, भाभी कली है तू खाना नहीं खेले? कैसे खाऊं, जो चीज बनाई है वो मुझे पसंद ही नहीं है। उषा, इंसान के सब कुछ खाए के चाहिए। आपने सुना है ना, पर रूपी श्रृंगार करना चाहिए और निज रूपी खाना खाना चाहिए। हाँ वो तो ठीक बा, पर परिवार के शांति खातिर कभी कभी वो भी करे के पड़ेला जे इंसान ना चाहे। हम जेल में नहीं है कि हर चीज पे पाबंदी होगी।
ये मेरा घर है और अपने घर में इंसान को खुश रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए। हम बुरा भी नहीं चाहते, पर ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा होगा। उषा, नाराज हो? देखो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, पर जरूरत सभी उंगलियों की पड़ती है। कभी धूप होती है तो छांव भी आती है। जहां शासन है वहां प्यार भी होता है, और अन्न से कभी नाराज नहीं होना चाहिए। लाए नहीं, मंगवा है। ये तो पसंद है ना? बहुत। बाप रे बाप, कितना दिन पर निमन कुछ खाए के मिलल बा हो दादा। काजी इज्जा कहाँ से? उमेश बाबू देले बड़े। थोड़ा हमरो के खिया दो। खबरदार, अगर यही पे नजर गड़ौनी तो तनी सा हमर मुंह पनी आइल रहे। ऐसे खाए के बा तो ही डब्बा चाट ली, एमे तनी मनी लागल बा। सुना ना, तू हमार मेहरारू हो, बाट के खैला से नु प्यार बढ़ेला। प्यार अब हमारा के खाली निमन निमन भोजन चाहिए। सुनी, ये डब्बा के ना ठिकाना लगा दी है, काहे से कि अगर माता जी देख ली है ना तो तेहार इलाज हो जाई। माल गायब करके डिब्बा हमरा के थमा बतारू है, खैलू तू ठिकाने हम लगाई, लेके जा ठिकाने लगाओ डिब्बा के। हाँ अच्छा, हाँ तो ठीक बा, हम माता जी के कह देता नी कि ये पिज्जा रहुआ लेके आइल बनी। हाँ माँ माँ ना ठिकाने लगा दे। छटकी इलातार पापा के फोन आइल बा। पापा का फोन है। पापा, अब कैसे हैं पापा? हम तो ठीक हैं बेटा, तू कैसे संभालो? पापा, आपको मुझे देखने का मन नहीं करता है? बेटा, मन तो बहुत करल तोरा के देख का, लेकिन आदत डाल रहा बाड़ी। कहल जाला कि ब्याहे के बाद बेटी पराई हो जाले। श्योर पापा, मेरा सिर्फ घर ही बदला है, मैं नहीं। मैं आज भी आप ही की बेटी हूं। आप कब आ रहे हैं पापा? कल। हाँ बेटा, कल आ रहा है बड़े। बाबूजी ली माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। माँ जी, खाने में क्या बनेगा? रोटी सब्जी दाल, वो बिना तड़का के। ठीक है माँ जी। देखे नी, एक दिन खाली टाइट के लिए रहनी, आएगी नहीं ना रास्ता पर। राम जी, सास है सास।
बदमाश है। ऑर्डर करके फुटुर फुटुर जी बैठ के सोफा पर, ससुर भसुर मेरे हस्बैंड जी सबको इनका डर। आप दयालु कृपालु, आपसे घर ये पले, हर एक जन्म में मुझको आई समझे जी। और बताएं घर पे सब कैसे बा? हाँ सब कुशल मंगल। पापा पापा अरे बच्चा हमारा प्रणाम। अच्छा मम्मी नहीं आई? बेटा हम आ गए नहीं था, मम्मी आ जी है, है? प्रणाम पापा। अरे बेटा और दामाद में कौनो फर्क ना होला, दोनों दिल के करीब रहेंगे, खुश रहा बेटा। पापा आप आराम करें, हम ऑफिस जाके आते हैं जल्दी से। हाँ बेटा, ड्यूटी से होके वापस आओ। हाँ बेटा चलते नहीं पापा, आप अंदर चलिए। जा जा चल चलिए, आइए बैठिए। हाँ को हमके तनी काम रहे ही से लेट हो गए। प्रणाम। अरे खुश रहा खुश प्रणाम। अरे खुश रहा खुश। और आप बताइए सब कुछ बढ़िया? अरे कुल बढ़िया बा। छुटकी दीदी पापा चाय नहीं पीते। राम जी चाय में का प्रॉब्लम बा? प्रणाम। बैठी माँ जी, पापा कॉफी पीते हैं। हाँ, हाँ। चाय में का प्रॉब्लम बा? ना 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 कौनो प्रॉब्लम ना चाय में, हैं बढ़िया चाय पी ले हम। हाँ लेकिन पापा बढ़िया चाय था चाय था कौन समस्या ना चाय। बढ़िया बढ़िया अच्छी चाय बेटा, बहुत अच्छी है।
छोटकी हाई बैगन सब काट के मैं रख दी है, करिया ना होई। का भाई छोटकी का भाई? मेरे पापा ने आज तक बैंगन की सब्जी नहीं खाई और माँ जी ने कहा कि आज बैंगन की सब्जी ही बनेगी। यही से तो हमने के माई बाबूजी सब ही जावल बंद कर दिलन, केहू अपन कब तक अपमान बर्दाश्त करी। कबो कबो तो हम कैसन बुझाला छोटकी कि हमार तो माई बाबू नहीं खान। आप लोगों ने तो बर्दाश्त कर लिया लेकिन मेरे पापा अगर मुझसे मिलने के लिए मेरे पास नहीं आएंगे ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। चुप हो जा छोटकी। बिटिया तू बोला गेलू कि बैगन हमरा के पसंद नहीं खे। कहे बैगन इंसान के खाए वाली सब्जी ना है का? बात हो ना, बात ये समदन जी की अपना अपना टेस्ट का बात होले। हमरा घर में जकरा के जे पसंद होला वो है खाला। इरा और घर ना, हमार घर है और यहाँ वह होला जोन हम आदेश करीला। ना मतलब आप हमरा बात के गलत मतलब निकाल लेनी नहीं, हमारे कहे का मतलब कि अब बेटिया के क्यों कहे? राउर घर के बेटी हुई हैं, अब यहाँ के बहू हैं। राउर घर इनकर माय का है, बाकी यहाँ इनकर ससुराल है। जोन रुआ घर में होला वो यहाँ ना हुई। और वैसे भी राघवेंद्र जी, ये चिड़िया घर ना जहाँ सब अपन अपन स्टाइल लेके चली, ये हमार घर है और यहाँ का मालकिन हम बने। खाई शुरू करा लो। हाँ। बहुत टेस्टी बैगन बनल, आज तो लगा था कि गलती भइल जे इतना दिन ले बैगन ना खैनी हम। इतना टेस्टी बैगन होला आज पता चल रहा बा, पूरे खा जाए हम। बहुत टेस्टी बनल बा। रहुआ लोगन से हम विनती कर रहल बानी, बिटिया हमार उतना समझदार नहीं के, रहुआ लोग तो समझदार बानी, अगर एकरा से कोनो गलती हो जाए तब माफ कह दे, हमरा के आज्ञा दी। जी जी प्रणाम। पापा खुश रहो। चला ड्राइवर।
पापा चाय नहीं पीते। चाय में का प्रॉब्लम बा? लेकिन पापा, बिटिया तू भुला गेलू कि बैगन हमरा के पसंद नहीं खे। बैगन इंसान के खाए वाली सब्जी ना है का? जी। अंग्रेज पुटका गए। अरे गर्दन ही चटका दे तू, काम में खत्म हो जाए। ठीक बा, टूटल नहीं। ठीक बट चले के माँ जी, कल से मैं आराम से चुटकाऊंगी। राम जी, बाबू जी ये लीजिए। माजी चाय। कपारे पर रखबू, रखा और जाए यहां से। काबिल माई, हाँ काबिल, काबिल माई, हमरा चाय में नमक क्यों मिला ना? हाँ माँ जी, मैंने तो चाय में चीनी मिलाई थी। हमरा के पागल बुलाता रो राम जी, चीनी डालना पर चाय में नमक कटे सोई। लेकिन माँ जी, मैंने तो सबकी चाय एक ही साथ बनाई थी। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ माँ जी, मैंने नमक नहीं मिलाया था। माई, हमने तो वह चाय पिया तन से, चाय में तो चीनी बा। माई, चाय में तो रोज से ज्यादा चीनी बाटे। हाँ हाँ हाँ, आज के चाय तो सबसे अच्छा रहे। हाँ। देखा, रात में भरपूर नींद लेहल करा, बुढ़ापा में कम सुतला पे माइंड डिस्टर्ब हो जाला। चल।
माजी खाना। अरे तोर इतनी हिम्मत किसे हमरा दाल में चीनी मिलो ले बाड़े। आपको क्या हो गया है माजी? मैंने तो दाल में नमक हमरा के पागल बुझा करे तू? हमरा के नमक और चीनी में फर्क नहीं के बुझात? आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? आप लोग ठीक से चख के बताइए ना दाल। माई दाल में तो नमक बा। हाँ माई नमके बा। हाँ दाल में तो बिल्कुल नमक है। हो माई नमक तो है दाल में। राम जी आप लोग खाइए ना। उमेश आप खाना के अपमान ना कर जाला। बैठो खा खा। मेरे पापा कहते हैं कि जिसकी बॉडी में पॉइजन होता है ना उन्हें नमक का स्वाद आता है ना शक्कर का। हे भगवान बुढ़िया के सांप काट लेही तो हम नाग बाबा के दूध पिलाई। लेकिन ऐसे कैसे माँ के बॉडी में तब पॉइजन के कौन असर लौकत नहीं खे। बेटा डॉक्टर के फोन करके बुढ़िया के दिखावल जरूरी बा। जी बाबा जी। ए, फोन लगावा। हाँ कौन? हाँ डॉक्टर साहब कोमल भवन से राकेश बोला था नहीं? वो हमार माई के ना मर गई। ना रउआ आके मार दी। कुछ भी बोला था नहीं डॉक्टर साहब पहले सुनी। अरे माई के कुछ हो गईल बा। आ का हो गईल बा यही समझ में नहीं आवत। यही से ना कहता नहीं कि रउआ जल्दी आ जाए। अच्छा अच्छा ठीक है मैं तुरंत आ रहा हूँ। राकेश बाबू। ओ राकेश बाबू डॉक्टर समर इज कमिंग। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा हाँ बीमारी जरा डिटेल में बताइए। हाँ डॉक्टर साहब हाँ। आजकल हमारी माँ को ना चीनी और नमक के स्वाद में फर्क नहीं समझ में आता है। ये तो उस बीमारी का लक्षण है जिसमें स्वाद मर जाता है, फिर सुनने की शक्ति मर जाती है और टाइम पे इलाज नहीं हुआ तो पेशेंट भी मर जाता है। अरे जब सब मर जाता है तो डॉक्टर क्यों आता है? हाँ। डॉक्टर आता है इंजेक्शन लगाता है। अच्छा। जब कोरोना हो जाता है। डॉक्टर साहब कोई टैबलेट वाला ऑप्शन नहीं है? वो क्या है ना माँ को इंजेक्शन से डर लगता है। हाँ। कोरोना में सिर्फ इंजेक्शन लगता है। ये डॉक्टर यहाँ कहाँ आया रे? इंजेक्शन छुपा लीजिए। अरे माही वो डॉक्टर आयल बाड़े ना तोहार इलाज करे खातिर। ककरा इलाज खातिर? कहा ना तोहरा इलाज खातिर। हमरा को मिलवा माही इन्फेक्शन रहेला ना एगो इंजेक्शन लगवा ला। जल्दी लगाई जल्दी लगाइए ना। छोटकी वो दाल में चीनी तुहे डल रहू ना? नहीं दीदी दाल तो आप लोगों ने भी खाई थी ना। मैंने तो नमक ही मिलाया था। छोटकी
तहरा के दाल में चीनी मिलावत हम अपन आँख से देखनी। मत पगली, हमने के जानबूझ के चुप रहनी है। कहे से कि बुढ़िया के साथ साथ देख हमने के बहुत मजा आई। अगर आप लोग मेरा साथ देंगी तो उस बुढ़िया को बांस की तरह सीधा कर दूंगी। अरे हमने चाहते बानी कि बुढ़िया के गर्मी झारो, बाकी उनका तीन तीन गो मुस्टंडा जैसन बेटा एकदम विपक्षी पार्टी वालो कैसे होई। आप लोग घबराइए मत, उनको भी हम अपनी टीम में मिला लेंगे। सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। Yes! इतना बुड़बक नहीं की कि उस छोटकी के उ तिरछी टोन समझ में ना आई। का चलता तहनी लोगन के का चलता हमरा के अब भी बताओ। मरद के जमीर जगावल जाता। का मतलब बा? हमनी के जमीर सुतल बा? सुतल नहीं के मर गइल बा। कौन मेहरारू चाहले जी कि ओकर मरद एक एक पैसा खातिर केहू के आगे हाथ फैलावे। कौन मेहरारू चाहले कि ओकर अपन पति के कोनो वजूद ना होखे। कौन मेहरारू चाहले कि ओकर सामने ओकर पति के बेइज्जती होखे। रउआ लोग के मान सम्मान नहीं के ये औरत तहरा लोग के गुलाम बना के रखले बाड़ी और सब है चुप्पा। रउआ के समझ में नहीं आवत कि माजी गलत कर रहल बाड़ी। समझ में तो आवता हो लेकिन ई उम्र में माई के कैसे बदली। हमनी के का करी सन। अरे रउआ लोग के कुछ न करे के बा, सब हमनी के करब। देखा उ माई बिया तहनी लोग समझे के कोशिश करा। अरे रउआ समझे के कोशिश करी। सब कुछ ठीक हो जाई, बस राउर सपोर्ट चाहिए। हमनी के टीम बन गई बा। हाँ। अच्छा तो टीम के कैप्टन के बा छोटकी।
आगे का प्लान बा? हम लोग जितना काम करते थे अब वो सब कुछ सासू माँ करेंगी। अरे छोटकी, वो तो घर में आग लगा दी है। आप लोग ध्यान से सुनिए, कल से हम तीनों बहुएं एक साथ बीमार पड़ेंगी। माई, शीला के उल्टी होता माई। सुषमा के लूज मोशन हो रहा बा। माई, उषा के पेट में तनी दर्द बाटे, हम ऑफिस जाते नहीं तनी देख लिया लोग, चलते नहीं। बीमार पड़ गई नी? बड़ा अजीब संजोग बा। ऐसे कैसे? उ ऐसे कि वह इंसान है बा, तबियत खराब हो सकेला। अच्छा, हम तो कबो बीमार ना पड़नी। तोरे पास तो हाथी के बल बा, तू बीमार कैसे हो सकेलो? राम जी, दिमाग मत धन कोई। तनी हम हो तो देखियो लोग का बीमारी। अरे अब का हुई? रारू का पहले चाय ना मिलाल, हम बनाओ ता नहीं। का पिएबू जीवन साथी, चाय की कॉफी? धोती बांधने का तो ढंग आज ले आइल ना, चाय बनायो। बैठ चुपचाप। हे माई, हे माई, माई, चाय बना के लाओ ता नहीं। अरे राम जी, हमारा लगे इतना संपत्ति और चाय तू बनेबा? नहीं, ए रकेश। हां तनी फेकना के फोन लगावता, कदे के काम वाले के भेजे।
लगाओ। अच्छा फेंकना के हेलो हाँ फेकन भाई आ रहा केस बाबू वो माई फोन कर रहे भैया माई के ना हाँ। घर में एगो काम करे वाली एगो काम वाली चाहिए। अच्छा भिजवा दी तो तीन तीन जने तो पतो लोग बाड़ी तो नौकर काहे के चाहिए। अरे ना फेकन भाई वो तीनों जन के तबीयत खराब हो गई बानू तो माई से बनवा ला। अरे आज तक तो किचन के मुँह ना देख ली तो खाना का बनाइए। अरे ना पूछताछ की जरूरत नहीं के बुझाई एगो काम वाली के जल्दी से भेज। हाँ भेज दी। ए मालकिन राव और शासन रहुआ घर में चली बाहर ना इतना इमरजेंसी। राम जी फोन कट कट फोन। महेश हाँ मई होटल में फोन लगा वहां से खाने आई पार्सल। हाँ हाँ हेलो 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 पूर्वांचल होटल। हाँ जी खाने का ऑर्डर देना है। जी क्या ऑर्डर है? हाँ लिखा भिंडी का भुजिया जी अलौका का तरकारी बिना फोरन का अतीत ना हो के चाहिए भैया जी अफरहर भात। सुनी इराउ काका के होटल ना यहीं सब ना मिलेला फोन रखी। भैया होटल वाला कहले कि फोन रखिए। राम जी बुढ़िया के समय पे चाय नहीं खे मिला आज पक्का होकर कपार दुखात हुई। का हो कपरवा हम दबा दी दिमाग मत धन काई हट जे ने तो जन चट्टी बरवा पता ना होना चाह जाए बाबू तोहरा माई के ना दाल भात के साथे बैंगन के सब्जी बहुत है पसंद है। अरे माई के तो खिचड़ी और चोखा सबसे ज्यादा पसंद है। अब भैया माई के खिचड़ी या चोखा के अलावा काका पसंद बा हमरा से सुनो। हाँ, बताओ आलू फूलगोभी के रसेदार सब्जी के साथ रोटी पूरी और खीर पकौड़ी चटनी पनीर भुर्जी आलू के पर हम ऐसा कहा बोल देनी है माई की खिसिया गई लू। अरे बड़ा फालतू आदमी है मर्दवा जब जानत है माई के जब भूख लागल तब धरती हिल जाला और ऊपर से पूरी खीर पनीर पकौड़ी इका आलू पराठा और तू बैठ के खाना का याद दिलाता रह। हमारी मतलब ना रहे भैया अब देख हमनी के तो खाना ना मिले वाला बा तो सोचनी नू कि अच्छा अच्छा खाना के नाम लेके पेट भर लिया जाओ। सही तो कहो तारा तोरे माय के खाना बनावे तो आवेला ना जमींदार के बेटी रहली जवानी में तनौकरानी रहली सन अब बुढ़ापा में पतो बाकी पानी पी के आज उपवास है झाल बजावा। ए! झाल बजावा तू भगवान हमारा के हाथ देले बड़ा अपना खातिर हम खुद खाना बनाओ जाते नहीं राम जी हट जा।
कैसे कि हमार मुंह एकदम नीम जैसन हो गल बा। माँ जी, अब मेरे लिए साबूदाना की खीर बना दीजिए। राम जी, तुम लोगों का बाप हमारा कहीं नौकरानी बिठोरे बाय। का है? 300 दिन ई सब तहार फरमाइश पूरा कर सके नहीं तो एक दिन तू ना कर सके लू का? दिमाग मत धन कोई, जा यहां से। जा तन भाग से। माजी कहती होंगी राम जी राम जी काम का आज गरियावत हुई हमने के पानी पी पी के। माजी कैसे बोल रही होंगी? कमर पिरा तेरे दादा राम जी। ए छोटकी, हमने के कबो सपनों में भी ना सोच ले रहनी है कि माजी घर के सारा काम करिए। हाँ लेकिन मैंने तो कर दिया ना दीदी। हाँ छोटकी, उसे जो बोला तू बहुत ही हिम्मती बाड़ू, बहुत। अभी तो शुरुआत है दीदी, मेरी दरखास्त में बहुत कमान है। सासू माँ को नानी याद दिला दूंगी, नानी। अच्छा दीदी, हा? अभी सासू माँ क्या कर रही होंगी, छुप छुप के देखते हैं। हाँ चलो चलो।
सासू माँ कहाँ गई? शायद किचन में होंगी। सासू माँ तो इधर भी नहीं है, लग रहा है बेहोश होकर बाहर गिर गई होंगी। चलो एक बार बाहर चलकर देखते हैं। हाँ, आराम से। तोहनी के कपार पर। नाटक करता रू लोग। हमरे बेटन का हिम्मत ना भइल हमरा से आँख मिला के बात करे कर। और ते हमार नकल उतारता रे, नेता गिरी करता रे ते। राम जी, तोरे बाप के औकात तारे हमरा बराबरी में आके खड़ा होके कर, और ते हमार नानिया दिले बे, नानिया दिले बे तो हम। सासुमा, अति कभी भी बर्दाश्त नहीं होती। बहुएं इज्जत करती हैं और सासू माँ उसे कमजोरी समझती हैं। 60 साल की हड्डी पर इतना तेज, बुढ़ापे में हड्डी टूटने पर जुड़ती नहीं है। मेरी माँ से बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफी मांगो। नहीं मांगूंगी। किस बात की माफी? निकल जाओ इस घर से। रिश्तों के बोझ ना कुछ संस्कारों का असर होता है, इसीलिए बहुओं पर ससुराल के सारे ताने बेअसर होते हैं। अपनी बेटी भोली लगती है, लेकिन बहुएं
बहुएं बुरी क्यों लगती हैं सास को? सभी कहते हैं कि ये मेरे घर की बहू है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि ये मेरी बहू का घर है? सारे मम्मी पापा अपनी बेटियों को झूठ बोलते हैं कि जा बेटी, तू अपने ससुराल में राज करेगी। जाने से पहले एक बात सुन लो, अगर तुमने इस दहलीज को लांगा फिर कभी वापस मत आना। बिना बताऊले का बात है? अरे बोला कुछ कैसे आ गेलू अचानक तू? पापा आपने मुझे वहां बेचा है। पागल होगल बाड़ू का? क्या मुझसे कोई दुश्मनी थी आपको? का बात करता रू बेटा, दुश्मनी? अरे तू जान हो हमने का? आज तक आपने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, उन्हें किसने अधिकार दिया उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा पापा उन्होंने? बेटा एक मिनट, एक मिनट आ जाओ, आओ आओ बेटा, रिलैक्स हो जा, बैठा बोला का बात का? पापा आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, आपको आपको तो सब कुछ पता है ना, वो घर नहीं जेल है, वहाँ इंसान नहीं पत्थर रहते हैं, वो घर रहने के लायक नहीं है पापा। देखो बेटा, नई जगह पर नए परिवार में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एडजस्टमेंट की एक लिमिट होती है मम्मी, घर छोड़ के आना भी कोई सलूशन नहीं है, अब वही तुम्हारा घर है। आप एक काम कीजिए, उमेश बाबू को फोन लगाइए, मैं बात करती हूँ। पापा अगर आप लोग ऐसे प्रेशर डालेंगे ना तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। लेकिन वहाँ नहीं जाऊंगी पापा। उषा पागल, कुछ भी बोला दिया, आप शांत रहिए। कहाँ हो गई? ये लिए अपन डिवोर्स के पेपर्स, इसे प्रॉपरली पढ़ लीजिए, उसके बाद में साइन कीजिए, इसके बाद में आगे की कार्यवाही करता हूँ। कहा बेटा? तलाक के पेपर समय उषा के भेजे के बाद। वकील साहब आप जाइए अभी। माई के पागलपन में तय अपन जिंदगी बर्बाद करता रे,
तो के समझ में नहीं खेवत तो दिमाग खराब हो गया बका भैया। जो औरत हमरा माई के इज्जत नहीं कर सकती वो औरत हमरा जिंदगी में ना चाहिए। सही कहा तनी बबुआ जी, ओकरा लगे कदर नहीं खे। बाकी रउआ लोग तो ओकर आरती उतारत रहनी ना। भाभी एकरा पहले भी तो घर में लोग रहत रहे ना। हाँ सही कहले, यही घर में रहता। बाकी कैसे रहता, कौना हाल में रहता, कब वो जाने के कोशिश कैले। रउआ जीवन भर बाहर रह के पढ़ाई कई नहीं, यहाँ आए के बाद पूरा दिन ऑफिस में रहता नहीं। रउआ कुछ मालूम नहीं खे। अरे ई हमनी के माई बाड़ी और हमनी इनकर सगा बेटा बानी जा, लेकिन इनकर नजर में हमनी के वैल्यू एगो कुकुर लेखा बा, कुकुर लेखा। भैया से पूछ, पूछ भैया से। का बताइए, का बताइए, कवन माई अपने लड़किया के कुकुर समझेला। अपना बड़का संपत्ति के घमंड में हमनी के भिकमंगा बना दिलस। हमनी से ऐसे बात करेली जैसे हमनी कोनो दुश्मन बनी जा। आज ले हमनी के माई अपना आगे केहू के समझ ली हा, ना समझ लिया। ए बाबू, हमार माई नहीं खे, हम सोचनी सास के रूप में हमरा के माई मिल जाई। इंग्रा से पूछा ये कबो हमरा से एक शब्द प्यार से बतियाईली बड़ी। अगर इंकर बेटी रही तो काई ऐसे बतियाई थी। इनके घर के शासन के कहानी हम आज ले अपना नैहर में केहू के ना बतैनी। काहे कि ऊ लोग हमर सास के बुराई करी। बाकी यहाँ के एक को बार एहसास ना भई कि हमनियों के कोनो अरमान होला। माई हिया लेकिन कौनो एकरा से खुश नहीं थे। इंसान के जानवर समझल इनकर आदत हो गई बा। यहाँ के खाली अपना सुख सुविधा खातिर जी हिला। अरे हमनी के तो किस्मतें खराब रहे जे हमनी के इनकर बहू बन गई नी। ए बेटा, जवान पत्नी महारानी बन के अपना पति के भिखारी समझे, अपन बेटन के कुकुर समझ लेवे, अपतोहन के गुलाम और नौकरानी समझस, वो औरत के औरत कहावे के अधिकार नहीं खे, वो औरत के माई कहावे के हक नहीं खे, वो औरत के सास कहावे के हक नहीं खे। और ते एक घमंडी औरत के खातिर अपन पत्नी के छोड़ता रे, हमने कोनो पाप केले हो खबजा, जवान एकरा साथे रही ला जा। अरे इत खाली जात के औरत दिया, न दिल से औरत दिया न दिमाग से। ऐसा औरत के तब धरती पे न रहे के चाहिए। जवान औरत अपने सास के शासन में ना रहे, वो औरत अपने बहू के मरम का आ जाने। बाबूजी, हुंकरा में लाख बुराई सही, बाकी रूह हमार माई है।
हाय परिवार में सब क्यों के रहल जरूरी बा, पर सबसे ज्यादा जरूरी हमरा माई के रहल बाटे। छे मौत से लड़के हमरा के जिंदगी देले पड़े, उनकरा के कैसे छोड़ दी। जीवन के पहला गुरु माई, जीवन के पहला दोस्त माई, माई जीवन हो खेली। ये जीवन उनकरे दिखला, हाई जीवन भी उनकरे हा। याद बा माई, लगाई में हमरा आंख में इन्फेक्शन हो गेल, सब केहू दूरे से देख के जाओ और बोले जे बाबू ठीक हो जाए। 5 साल के रहनी हम, ऐसे लागल कि दुनिया में हमरा से अकेला केहू नहीं के। माई, हमर माई 24 घंटा हमरा के अपना कलेजा से लगा के रखे, हुआ के इन्फेक्शन इंकरो हो गेल रहे, बाकी ये हमरा के दूर ना केली, ही तो हमरा के ना छोड़ ली। हाँ तू लोग कहा था लोग कि हम इंगरा के छोड़ दी, दुनिया में अगर कौनो रिश्ता सबसे बड़ा बा तो माई के बाटे। हम दुनिया के छोड़ सकते नहीं, बकीर अपना माई के नहीं छोड़ सकता। फिर चाहे वो हमारी पत्नी का है ना हो, हम अपना माई के नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। छे मौत से लड़के हमरा के जिंदगी देले पड़ी। हाँ तू लोग कहा था लोग कि हम इंगरा के छोड़ दी। जीवन के पहला गुरु माई, जीवन के पहला दोस्त माई, ही जीवन उनकरे दिखल, हाई जीवन भी उनकरे हो। दुनिया में अगर कौनो रिश्ता सबसे बड़ा बा तो माई के बाटे। हम दुनिया के छोड़ सकते हैं, बकीर अपना माई के नहीं छोड़ सकते। फिर चाहे वो हमारी पत्नी का है ना हो, कहके ही अपना बेटा के बनवास दे ले रहनी। हम तो अपना पतोह के ही बनवास दे ले। माई घर बसावैनी और हम अपने बच्चन के बसल बसावल घर उजाड़े लगनी। हम भुला गई नहीं कि एगो बेटी हमरा घरे के पुतो बनल पिया। बिटिया अपना सास से नाराज होके आयल रलू, आज एगो माई मनावे आयल बिया। चला घरे बेटा, आज तक सब माई की अपना बिटिया के विदा करत दिख ले रही। पहला बेर कोनो माई अपना बिटिया के लियावे आयल बिया। इससे अद्भुत दृश्य का हो सकेला,
जा, अपना माई के साथे चल जा। चला ना घरे। अगर तुमने इस दहलीज को लांघा, फिर कभी वापस मत आना। सॉरी। जैसी माँ है तो फिर बहू अपना घर छोड़कर कैसे रहेगी? मायके में भी माँ है और ससुराल में भी मुझे माँ ही मिली। माई, माँ जी, माई, 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 माजी, माई, भैंस की माई, 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 कहाँ गई माई, 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 माजी, ए उमेश की माई, माजी, कहाँ गई, माई, माजी, माई माई, ई हमनी के माई बारी, लेकिन इनकर नजर में हमनी के वैल्यू एगो कुकुर लेखा बा, कुकुर लेखा। माई, माजी, माजी, ए उमेश के माई, माई, अपना बड़का संपत्ति के घमंड में हमनी के भिकमंगा बना दिए। माई, महेश की माई, माजी, ये तो खाली जात के औरत दिया, न दिल से औरत दिया, न दिमाग से। कुमाल, माई, कुमाल, कबू हमरा से एक शब्द प्यार से बतियाईली बड़ी। अगर इनकर बेटी रही तो काई ऐसे बतियाई थी।
बाकी यहाँ के एक को बार एहसास ना भई कि हमियों के कोनो अरमान होला। माजी, माई, माजी, माई। सभी कहते हैं कि ये मेरे घर की बहू है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि ये मेरी बहू का घर है। माजी, ऐसा नरोत के तब धरती पे न रहे के चल। इंसान के जानवर समझल इनकर आदत हो गई बा। यहाँ के खाली अपना सुख सुविधा खातिर जी हिला। सारे मम्मी पापा अपनी बेटियों को झूठ बोलते हैं कि जा बेटी तो अपने ससुराल में राज करेगी। भाई साहब यहाँ क्या हुआ है? एगो लेडीज के एक्सीडेंट हो गई बा, बेचारी मर गई। क्या लगी माजी? ए हटा हटा। माई नहीं खे, माई नहीं, माई नहीं। कमाल, माई, माई, जालोगे यहाँ से घरे जालो। माई का है लगने के, सास का है लगने के। माची कुल तो हमारे घर जाए बेटा। हमारे जैसन खराब मेरा रहे दुनिया में ना मिले। राम जी, पति के पति न समझ ली, बेटा के बेटा ना समझ ली, बहू के बहू ना समझ ली। हमारा से गिरल मेरा रो दुनिया में ना हुई। हम कैसे भुला गए कि सास भी कभी बहु रहा है। हमें लायक नहीं के मारा सामरा के कौने मुए वगैरह में जाए। राम जी हमरा के नहीं जाके ना माजी चलिए ऐसे मत कर। सुना समझ ला कि हमने सब भुला दे दी, तू भी भुला था, चला घरे। माजी घरे चला। अभी तक तो हम तीनों बहनों को सास से नफरत मिली है, प्यार कौन करेगा हमें? माजी हमें लग नहीं खे, हमें लग नहीं खे।
काम कर माई को उठा के लेके चल ऐसे ना माई ए भाई चल ले जाना हमनी को उठा के लेके जा जा माजी, चाय या कॉफी? चाय। दूध वाला की लाल चाय? लाल चाय। चीनी वाला की बिना चीनी वाला? बिना चीनी वाला। जी माजी। जी। नहीं बेटा। अभी तक तो जौन भी हम कहली जैसे कहली तू लोग वो सब कहला बाकी आज से नहीं अभी से तू लोग का जैसे मन करे वैसे रहा जवन जीव में आवे तमन खा पिया खुश रहा ऐसी मिले जो सास तो कोई कम नहीं हम सब बहुओं के लिए माँ से कम नहीं सास तो कोई हम नहीं हम सब बहुओं के लिए माँ से कम नहीं अपना प्यार खूब हम पे लुटाए रे साथ मिलके ये घर को चलाए रे सुलझे सारे पहेली यूं कि ये बन गई सहेली क्योंकि सास भी कभी बहू